नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर नगर पालिका परिषद व नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल संवाद किया है। इस दौरान सीएम ने कोरोना को हराने के लिए एकजुटता दिखाने के साथ प्रतिबद्धता व भागीदारी निभाने को कहा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी ली है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ ट्रैक टेस्ट और ट्रीट फॉर्मूला का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 3,40,411 सैंपल में से 1,268 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं इस दौरान 108 लोगों की मौत भी हुई है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 25,546 रह गई है। वहीं प्रदेश में रिकवरी दर 97.30% हो गया है। वहीं पॉजिटिव दर अगर बात करें तो इस वक्त 3.4% हो गया है। कोविड की दूसरी लहर में भी प्रदेश पटरी पर आ गया है। प्रदेश में कोविड के एक्टिव केस की संख्या अब महज 25,546 रह गई है। वहीं नए संक्रमितों की संख्या अब दहाई तक सिमट गई है। बीते 24 घंटे में लखनऊ में सर्वाधिक 75 और मेरठ में 55 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कानपुर में 15 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 10 लोगों की मौत हो गई है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ विश्वविद्यालय ने एक और सम्मान प्राप्त किया है। जी हां, एशिया के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग को दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग द्वारा जारी रैंकिंग में लखनऊ विश्वविद्यालय को एशिया में शीर्ष 401 विश्वविद्यालयों में स्थान दिया गया है। इस रैंकिंग में देश के कुल 63 विश्वविद्यालयों और संस्थानों को जगह मिली है। रैंकिंग में लखनऊ विश्वविद्यालय ने उत्तर प्रदेश के एकमात्र राज्य विश्वविद्यालय होने के कारण राज्य विश्वविद्यालयों के बीच अपनी स्थिति को और मजबूत किया है। कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने इस उपलब्धि पर विश्वविद्यालय के सभी को बधाई दी है। वहीं कोरोना वायरस संक्रमण के सेकेंड स्ट्रेन के कारण पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद सीबीएसई तथा सीआईएससी के कक्षा 12 की परीक्षा के रद्द करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इंटरमीडिएट की परीक्षा को रद्द कर दिया है। अब 12वीं के विद्यार्थियों को भी प्रमोट किया जाएगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। हाईस्कूल परीक्षा पहले ही निरस्त की जा चुकी है। यूपी बोर्ड के 100 साल के इतिहास में यह पहला मौका है जब हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा निरस्त की गई है। विद्यार्थी बिना इंतहाम दिए ही अगली कक्षा में प्रमोट किए जाएंगे। वह इंटरमीडिएट के 26.1 लाख और हाईस्कूल के 29.4 लाख विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा। इस तरह प्रदेश के कुल 56 लाख से अधिक विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। योग न केवल आपको शारीरिक रूप से फिट रखता है बल्कि आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। कोरोना संक्रमण काल में योग के माध्यम से जंग जीतने वाले ऐसे कई उदाहरण सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के हर जिले में योग की पाठशाला खोलकर इम्यूनिटी बढ़ाने का निर्णय लिया है। खासकर युवाओं को योग से जोड़ने पर बल दिया जाएगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से इसकी वर्चुअली शुरुआत होगी। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम की ओर से सरकार को भेजे गए प्रस्ताव पर मोहर लगने के साथ ही योग शिक्षकों के आवेदन मांगे जाएंगे। 15 जून तक विज्ञापन के माध्यम से योग शिक्षक की भर्ती की जाएगी। जिलेवार तैनात होने वाले शिक्षक उसी जिले के ही होंगे, जिससे कोई दिक्कत ना हो। वहीं सरकार की ओर से निर्धारित मानदेय भी उन्हें दिया जाएगा। संक्रमण के चलते वर्चुअल योग पाठशाला चलेगी। पाठशाला में भाग लेने वालों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। जिले के हर शिक्षक को वहां के लोगों को जोड़कर योग का व्हाट्सएप ग्रुप बनाना होगा। वहीं बुलंदशहर में सरकारी क्रय केंद्रों का हाल बेहाल है। पिछले 3 दिनों से किसान परेशान है और यहां पर गेहूं की तैलाई नहीं हो रही है। क्रय केंद्रों पर किसानों की भीड़ दिखाई दे रही है। किसान काफी परेशान है। ये कहना है किसानों का कि उनके अनाज की बर्बादी हो रही है और केंद्रों पर कर्मचारी लापरवाही कर रहे हैं। अपनी परेशानी को बताने के लिए किसानों ने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए केंद्र का एक वीडियो पोस्ट किया है।
वहीं मैनपुरी में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। हथियार बनाने वाली फैक्ट्री के संचालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं पुलिस की कार्रवाई के दौरान एक शातिर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री से तमंचे और हथियार बनाने वाले भारी मात्रा में उपकरण को भी बरामद कर लिया है। देखिए, अभी कुछ ही दिनों पहले 18 तारीख को मोहनपुर मोड़ से एक व्यक्ति तमंचे के साथ गिरफ्तार हुआ। इस समय इस तरह की चीज़ों में हमारे जोनल जो जोन के हमारे एडीजी जोन सर हैं या रेंज के आईजी सर हैं और कप्तान साहब का लगातार ही फोकस रहा है कि तमंचे में पुलिस जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसके बैकवर्ड लिंकेजेस और फॉरवर्ड लिंकेजेस तक नहीं पहुंचने की कोशिश करती है, जबकि हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए कि पीछे ये कहां से बनी है और आगे कहां तक जा सकती है, इन पूरे लिंक को हमें गोरखपुर में एक शादी समारोह में आयोजित आर्केस्ट्रा में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शैलेंद्र यादव बार बालाओं के साथ ठुमका लगाते हुए दिखाई दिए। स्टेज पर चढ़कर बालाओं के साथ नाचते दिखाई दिए और अश्लीलता के सभी हदें इशारे से पार कर दी। आपको बता दें कि नेताजी सिर्फ अश्लील गानों पर ही नहीं, साइकिल वाली पार्टी से संबंधित बने गाने पर डांस करते हुए दिखे और इस दौरान कुछ लोगों नेताजी पर भड़क गए और नेताजी के समर्थकों ने गांव के लोगों से हाथापाई शुरू कर दी और लोगों पर कुर्सियां फेंकने लगे। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कड़ी कार्रवाई की बात कही है। थाना कैंपियरगंज क्षेत्र में एक शादी समारोह में कुछ लोग अश्लील डांस करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है, संबंध में जांच किया गया है। उस तथ्यों के आधार पर FIR दर्ज करने के लिए मेरे द्वारा आदेश कर दिया गया है। जो भी उसमें शादी समारोह जिन्होंने भी ऑर्गेनाइज किया है और अश्लील डांस जिसने भी ऑर्गेनाइज किया है और जिन्होंने भी वहाँ पे नाचा है और कोविड अधिनियम नियमों का उल्लंघन किया है, उन सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए मेरे द्वारा आदेश कर दिया, इनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई। रामपुर के सिविल लाइन थाना में पारिवारिक कलह के चलते एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी मिली कि आत्महत्या करने से पहले युवक ने एक वीडियो भी बनाया। मृतक के परिजनों ने ससुरालियों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है, साथ ही शिकायत के आधार पर आरोपी पक्ष के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। घटना ये हुई, शादी हुआ 10 साल हो गए, बीबी भी तंग करती थी बहुत ज्यादा, बड़े बाप की बेटी थी और ससुराली बार बार यही कहते थे तो जान से मार देंगे, तेरी कुट्टी कर देंगे। जब भी जाता था लिवाने या उन्हें बच्चों से भी बात नहीं करने देती थी बीवी, बच्चों को भी ससुराल में रखती थी मैके में। और कल लिवाने के लिए गया तो कल उसे मारा, जान दुखा के वहाँ से भागा, वो आन के उन्होंने वीडियो बनाकर और आत्महत्या कर ली। कहाँ की घटना? अलीनगर जुम्मन थाना सिविल लाइन। खबर हमीरपुर से है, जहां DRM संदीप माथुर ने सुमेरपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रेलवे स्टेशन में दिखी गंदगी को लेकर कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई है। साथ ही DRM ने यमुना नदी के उस पार बन रहे नवेली पावर प्लांट तक रेलवे ट्रैक का निर्माण कराए जाने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं अलीगढ़ में AMU द्वारा खूबसूरत गेट लगने के बाद भी एक रास्ते की पहचान टूटी बाउंड्री है। दरअसल जमालपुर जाने वाले रास्ते पर कई बार दीवार खड़ी की गई लेकिन दीवार को अगले ही दिन तोड़ दिया गया। AMU के कई वाइस चांसलर ने टूटी बाउंड्री पर दीवार खड़ी करने का प्रयास किया लेकिन कामयाबी नहीं मिली। आपको बता दें कि इस रास्ते से AMU कैंपस में असामाजिक लोगों का प्रवेश होता था। कई विवाद और गोलीकांड के बाद टूटी बाउंड्री पर गेट खड़ा कर दिया गया। आपको बता दें कि अब जमालपुर के रहने वालों को भी सहूलियत मिल गई है। वहीं बुलंदशहर के थाना नूप शहर में युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवती की मौत पर परिवार वालों ने 6 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है लेकिन इस मामले में आरोपी पक्ष ने भी अपना दावा पेश किया है, जिसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा कि घटना में छेड़खानी के मामले की भी जानकारी मिली है और जांच के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी और आरोपियों को भी जल्द ही जेल भिजवा दिया जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्री के प्रभार वाले सुल्तानपुर जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे है। जिन अस्पतालों को ग्रामीणों के इलाज के लिए वर्षों पहले बनवाया गया था, अब उस अस्पताल को खुद ही इलाज की जरूरत है। मुख्य बिल्डिंग को छोड़ दिया जाए तो इस अस्पताल के बाकी कमरों में भूसे उपले और फसलों के खरपतवार रखे जा रहे हैं। अन्य कमरों में टूटी फर्श और बारिश में छत से पानी टपकना यहाँ आम बात है। पिछले 4 साल से यहाँ डॉक्टर की तैनाती ही नहीं है। कोरोना महामारी के दौरान आसपास के गांव में दर्जनों लोगों की संक्रमण से मौत के बाद भी यहां केवल एक फार्मासिस्ट ही तैनात है, जिसके भरोसे ही हजारों की आबादी से इलाज करवा रही है। और ये खास रिपोर्ट हमारी देखिए। ये नजारा है लंबुआ विधानसभा के शिवगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का। 1992 में तत्कालीन कारागार एवं राजनीतिक पेंशन राज्य मंत्री उमानाथ सिंह ने यह सोचकर इसका उद्घाटन किया था कि ग्रामीण इलाकों के लोगों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन उनकी सोच से बिल्कुल उलट ये अस्पताल आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में यहां आसपास के कई गांव में दर्जनों लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई, लेकिन तब भी स्वास्थ्य महकमे ने यहां ध्यान नहीं दिया। हाल ये है कि पिछले 4 साल में यहां किसी भी डॉक्टर की तैनाती नहीं की गई। कहने को यहां केवल एक फार्मासिस्ट रखा गया है जो आसपास के दर्जनों गाँव के हजारों लोगों का इलाज कर रहा है। ऐसे में तत्काल इलाज के लिए लोगों को लंबुआ जिला अस्पताल या प्राइवेट अस्पतालों की ओर रुख करना पड़ रहा है। अस्पताल यहाँ बनाई गई थी, अभी तक यहाँ पर कुछ भी ऐसा हुआ नहीं है जिससे कि गांव शिवगढ़ या तमाम 1 लाख की आबादी वाला पूरा क्षेत्र है, कभी यहाँ से इनको कभी लाभ नहीं मिला है। और कभी जैसे इमरजेंसी में कुछ असुविधा होती है पेशेंट को, या तो लभुआ जाता है या सुल्तानपुर अपने साधन से। ये जितना भी देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ कबाड़ हुआ पड़ा है। पूरे अस्पताल जर्जर हुई पड़ी है। यहाँ पे अगर किसी भी तरह की आकस्मिक घटना होती है तो आदमी को यहाँ से दूर लेके भागना पड़ता है, जिससे क्या कहते हैं मरीज की या तो रास्ते में मृत्यु हो जाती है या तो क्या कहते हैं केस बिगड़ने के बाद वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं। यहाँ पे लगभग 50,000 से ज़्यादा की आबादी है इस अस्पताल के रेंज में। लेकिन अगर कोई प्रसव की दिक्कत आती है तो या तो प्रसव रास्ते में हो जाता है या तो क्या कहते हैं अस्पताल पहुंचते हो जाता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है जच्चा बच्चा दोनों को नुकसान उठाना पड़ता है। भले ही इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण लोगों के इलाज के लिए किया गया हो, लेकिन जब अस्पताल खुद बीमार हो तो लोगों का इलाज कैसे हो। इस अस्पताल की मुख्य बिल्डिंग को छोड़ दिया जाए तो अन्य भवनों की दुर्दशा देखकर आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। यहां बने कमरों में गांव के लोगों का कब्जा है। कुछ कमरों में जहां भूसे और खर पतवार रखे गए हैं तो अन्य कमरों को उपलों के लिए सुरक्षित कर लिया गया है। हाल ये है कि ज्यादातर कमरों की फर्श टूट चुकी है और तो और हल्की बारिश में ही कमरों में पानी रिसने लगता है। केवल एक समझ लीजिए अस्पताल के नाम पर एक कागजी कार्रवाई पूर्ण हो रहा है, पे बाकी अस्पताल के नाम पे है कलंक है। डॉक्टर यहाँ बैठते हैं? नहीं, डॉक्टर यहाँ पर नहीं है। पिछले 5 साल से यहाँ पे लगभग अब 2017 से यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है। एक डॉक्टर है रामकरण जो यहाँ पे नियुक्त थे, लेकिन वो यहाँ से इस समय कहीं और अटैच कर दिए गए हैं। इसमें कोई इलाज उलाज नहीं होता है, वही सरकारी कैंप से जो आता है इधर उधर टीका फीका लगता है, बाकी कोई इलाज नहीं होता। कोई मरीज अब मान लो इमरजेंसी में बीमार हो गया तो आप लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं कि यही 1 साल भर से एम्बुलेंस आई है, यही अपना टाइम पर रहती है तो ले जाते हैं, नहीं तो आदमी अपनी सुविधा से कहीं लभुआ कहीं सुल्तानपुर लेके भागते हैं। ऐसा नहीं है कि इस बीमार अस्पताल के इलाज के लिए लोगों ने प्रयास ना किया हो। सूबे के स्वास्थ्य और जिले के प्रभारी मंत्री जय प्रताप सिंह, सांसद मेनका गांधी, विधायक देवमणि द्विवेदी सहित तमाम जनप्रतिनिधियों से कई बार डॉक्टरों की तैनाती और अन्य व्यवस्थाओं के लिए कहा गया, लेकिन हैरानी की बात तो ये रही कि किसी ने भी इसकी सुध नहीं ली है। सुल्तानपुर से प्राइम टीवी के लिए अजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देशभर की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।